हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज की हमारी वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो कि है लेबर लॉ का टॉपिक। तो इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और भी बहुत कुछ कवर करेंगे इसमें, तो हम पहले फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपनी, जिसमें हम बताएंगे बॉन्डेड लेबर के बारे में, जो आई गेस आप सबको पता ही होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूरी। तो बेसिकली जिनको नहीं पता, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जबरदस्ती किसी को, मतलब जो मजदूर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है किसी ना किसी रीजन से। तो और वो उन्हें करनी पड़ती है बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, और उनके राइट्स भी उन्हें नहीं दिए जाते हैं। जो जो फैसिलिटीज उन्हें मिलनी चाहिए उनके राइट्स में है, उन्हें जिन जिन चीजों के हक है वो चीजें उन्हें नहीं मिलती है। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया देयर वॉज अ सिस्टम कॉल्ड बॉन्डेड लेबर, वेयर वर्कर्स वर टाइड टू देयर जॉब्स इन अनफेयर वेज। दिस मेंट दे कुडंट लीव इवन इफ दे वॉन्टेड टू, मतलब कि वो जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि या तो वो कर्जा लेके अपना घर चलाते थे, कुछ भी ऐसे रीजन होते थे कि वो नहीं जा पाते थे मजदूरी छोड़ के, उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी। वर्कर्स फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक बॉसिस टेकिंग अवे देयर पे फॉर नो रीजन। उनके बॉस उनका पैसा ले लेते थे कि बिना किसी रीजन के, उनको पे ही नहीं करते थे कभी कभार तो। और कोई उनके लिए कोई हक नहीं था, कोई संविधान नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे उनके लिए, वो उन्हें कभी भी निकाल दिया भी करते थे। ऐसा होता था कि उनके पैसे भी नहीं दिए, उन्होंने निकाल भी दिया अगर उन्होंने कुछ बोला तो। इस तरीके से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। एम्प्लॉयज ऑफन सफर फ्रॉम मिस ट्रीटमेंट एंड बैड बिहेवियर फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। इट वॉज अ टफ सिचुएशन फॉर मेनी वर्कर्स हु जस्ट वॉन्टेड फेयर ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट एट वर्क, क्योंकि बिकॉज वर्कर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, उनके लिए भी कुछ लॉज होने चाहिए। सो इसीलिए आया था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ताकि जो वर्कर्स की, जो लेबर्स की एक्सप्लॉयटेशन है, इसको खत्म किया जाए, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाए, ताकि उनका हक उन्हें मिले, उनके लिए कोई सोचे और उनके लिए कुछ ठीक हो। तो आइए समझते हैं इसके बारे में अच्छे से। अब मीनिंग, अ स्टैंडिंग ऑर्डर इज लाइक अ रूल बुक फॉर वर्क। इट लेज डाउन क्लियर रूल्स फॉर बोथ द बॉस एंड द वर्कर्स टू फॉलो। दीज रूल कवर्स फ्रॉम हाउ मेनी डेज। अब क्या क्या इसके अंदर ना रूल्स है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक तरीके के रूल बुक है जिसके अंदर रूल्स है, क्लियर रूल्स लिखे गए हैं बॉस के लिए भी, यानी जो आपके ओनर है या फिर आपके जो भी मालिक है उसके लिए भी, और वर्कर्स है जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। और ये जो रूल्स है ना, ये कवर, जैसे कि क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं, हर चीज कवर करते हैं रूल्स। जैसे कि फ्रॉम हाउ मेनी डेज ऑफ, कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं ऐसे, कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने मिनिमम वेजेस होने चाहिए आपके। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पर डे के 800 या 400 वेजेस अगर लिखे हैं तो वो आपको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, हाउ यू कैन बी फायर्ड, या फिर कैसे आपको निकाला जाएगा, जैसे होता है ना नोटिस पीरियड एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये सब चीजें दे जाती है इसके अंदर। तो अंडर सेक्शन 2G ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके बारे में उसके जो रूल्स है वो लिखे गए हैं, रूल्स रिलेटेड टू मैटर्स सेट आउट इन शेड्यूल। तब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से योर बॉस वाज वांट्स टू फायर यू। आपका बॉस आपको काम से निकालना चाहता है क्योंकि आप कुछ देर लेट थे। ठीक है, लेट ए फ्यू टाइम्स। तो देयर इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर इन प्लेस। इट विल एग्जैक्टली व्हाट स्टेप्स योर बॉस नीड टू फॉलो बिफोर दे कैन लेट यू गो। अब उसे स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर जो भी रूल्स गिवन है फायर करने के लिए, वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई नोटिस पीरियड है उसके अंदर और ड्यूज क्लियर करने लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसे वो सब फॉलो करना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं निकाल सकता कि आज उसने बोल दिया तुम निकल जाओ, उसे वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल होता है वो सब फॉलो करके देन ही कैन डू दैट। देन इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज के सूरी बाबू ऑन 29 नवंबर 2023, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर लाइक स्पेशल रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो एक स्पेशल रूल्स है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है देन अदर लॉज व्हेन इट कम्स टू वर्क। तो वो जैसे अब बाकी लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं अपने अपने फील्ड में, वैसे स्टैंडिंग ऑर्डर वर्कर्स की फील्ड में बनाया गया है, तो वो वर्कर्स की फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पूरा पूरा फॉलो किया जाएगा, उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो। सो दे हैव अ बिग इन हाउ थिंग्स आर डन। तो उनका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा वर्क है कि कैसे चीजें होनी चाहिए काम पे। देन नेचर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। इमेजिन यू आर प्लेइंग अ गेम विद योर फ्रेंड्स एंड बिफोर यू स्टार्ट यू ऑल अग्री ऑन सम रूल्स। दीज रूल्स माइट इंक्लूड थिंग्स लाइक हु गोज फर्स्ट। अब जैसे आप गेम खेल रहे हो,
उसमें कुछ रूल्स होते हैं, और इन रूल्स में ये भी होता है कि कौन पहले जाएगा, ठीक है, कितने पॉइंट्स चाहिए जीतने के लिए, व्हाट हैपन इफ समवन्स ब्रेक्स अ रूल, कुछ कोई रूल तोड़ता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या पेनल्टी होगी, क्या करना चाहिए उसके साथ। तो इसी तरीके से वर्क प्लेस में भी स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से वो रूल्स लिखे गए हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर में वो रूल्स लिखे गए हैं एम्प्लॉयज के लिए, कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के दोनों के लिए, ताकि दोनों के जो राइट्स है सेफ रहे। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को प्रिविलेज ज्यादा दे दिया है और जो एम्प्लॉयज है उनको कम, कि बॉसेस तो अपने मतलब देख उनके तो कोई राइट्स ही नहीं माने जाएंगे, वर्कर्स ही सबसे ज्यादा कि हम पावरफुल है हमारे पास राइट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को ध्यान रखते हुए, दोनों की स्पेस का ध्यान रखते हुए, दोनों का कि दोनों के साथ गलत ना हो, दोनों पद के साथ इस तरीके स्टैंडिंग ऑर्डर को बनाया गया है। सो दे ले आउट थिंग्स लाइक वर्किंग आवर्स, क्या क्या चीजें होती है, जैसे वर्किंग आवर्स हो गया, लीव पॉलिसीज हो गई, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हो गए कि कैसे डिसिप्लिन में आना है, जैसे वर्कर्स को यूनिफॉर्म में रहना है तो यूनिफॉर्म में रहना है, वर्कर्स के टाइम का देखना पड़ता है कि क्या टाइम होना चाहिए उनका एंड एवरीथिंग। देयर इज अ डिबेट अबाउट वेदर दीज स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर मोर लाइक रूल सेट बाय द गवर्नमेंट, एक डिबेट है कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो रूल्स है कि गवर्नमेंट ने सेट किया है, या फिर वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में रूल्स आए हैं कि जो बॉस और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर दोनों यानी कि बॉस और वर्कर जो है दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि दोनों अग्री है उस चीज के लिए। अब ये एक डिबेट है कि वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो रूल्स, या फिर दो लोग आपस में बैठ के, दो पार्टीज आपस में बैठ के, जो कि आपकी बॉस हो गई और वर्कर्स की हो गई, वो बैठ के रूल्स को साइन कर रहे हैं। तो ये हम देखेंगे। सो नेचर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स को हमने दो जगह पे डिवाइड कर दिया है, स्टैचुटरी नेचर और कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। नाउ स्टैट्यूटरी नेचर, सम आर्ग्यू दैट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर लाइक लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, जब वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, एवरी वन इन द वर्क प्लेस हैज टू फॉलो, जब वो रूल्स पक्के हो जाते हैं, सर्टिफाई हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उसे सबको वर्क प्लेस में फॉलो करना पड़ता है, जैसे आप बाकी रूल्स फॉलो करते हो जो गवर्नमेंट बनाती है। तो दे आर सीन एज मोर लीगल रिक्वायरमेंट, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की बात करें इसकी, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं दैट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर मोर लाइक अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के बीच में, और वो बाइंड हो जाते हैं जब वो दोनों साइन कर देते हैं, दोनों को बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, अपने अकॉर्डिंग रूल्स तय करने होते हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है, ठीक है, आउटलाइन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टी। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, मतलब कि डिबेट है, तो हमने दोनों का लोगों का वो बताया कि क्या क्या मतलब कैसे क्या कहा जाता है इसके बारे में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, लेट्स से अ स्टैंडिंग ऑर्डर स्टेट दैट एम्प्लॉयज मस्ट गिव, एक स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि एम्प्लॉयज को 2 वीक्स का नोटिस देना होगा जाने से पहले वेकेशन पे। तो इफ अगर कोई एम्प्लॉयज है सडनली चला जाता है, 1 वीक ऑफ ले लेता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस, तो जो एम्प्लॉयर है उसी बेस पे एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट जो भी उसको ठीक लगेगा, और वो एक्शन लेगा जो स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा, जैसे कोई पनिशमेंट लिखी होगी, यू विल बी फायर्ड और समथिंग एल्स की आपकी 2 हफ्ते की, आप 1 हफ्ते का वीक लोगे बिना नोटिस पीरियड के, 2 हफ्ते की सैलरी करोगे, मतलब जो भी लिखा होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग ये अनफेयर है, फेयर है, वो जो लिखा होगा उस टाइम पे डिसाइडेड होगा कि आपकी ये पनिशमेंट होगी इफ यू विल डू सो, तो वो चीज़ है जो आपका बॉस है वो लगाएगा आपके ऊपर, जैसे कि डिडक्शन ऑफ पे फॉर अनअप्रूव टाइम ऑफ, ऐसे करके। तो सिंप्लीफाई वे में स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो लाइक द अग्रीड अपॉन रूल्स, वर्क प्लेस में रूल्स को अग्री किया जाता है, बट फिर भी एक डिबेट हमेशा रही है कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है या फिर अग्रीमेंट है बॉस और वर्कर्स के बीच में, ठीक है, तो ये डिबेट हमेशा अभी भी रही है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, नेक्स्ट के बारे में। तो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 जो है उसे एसेट मिला था 23 अप्रैल 1946 में, और उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एक्ट अप्लाइज, एक तो बहुत ध्यान से एप्लीकेबिलिटी को बहुत ध्यान से समझना, ये जो एक्ट है वो अप्लाई करता है पूरी इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1(3) ऑफ द एक्ट इट अप्लाइज, ये अप्लाई करता है हर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पे जहां पर, फर्स्ट पॉइंट इज 100, या तो 100 या फिर उससे ज्यादा वर्कमैन को मतलब एम्प्लॉयड किया हो, यानी कि उनको जॉब दी गई हो, वर्कर्स को रखा गया हो, जॉब दी गई हो, और या फिर पास्ट 12 मंथ्स में
उन्हें काम पे रखा हो, जैसे अभी ना पुराने 12 मंथ्स पे भी रखा हो, तो ये हर जगह पे वहां पे अप्लाई होगा ये स्टैंडिंग ऑर्डर का एक्ट। ठीक है, आपको 100 या 100 से ज्यादा लोग होने चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे ये अप्लाई होगा उस इंडस्ट्री में। देन प्रोविजन फॉर स्मॉलर एस्टेब्लिशमेंट्स, अब यहाँ पे तो हमने 100 या 100 से ज्यादा वाले एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, अब छोटे एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, द एक्ट अलाउ ऑल्सो अलाउज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अप्लाई इट टू एस्टेब्लिशमेंट्स विथ फ्यूअर देन 100 वर्कर्स। तो गवर्नमेंट को अलाउ करती है ये एक्ट कुछ कुछ सिचुएशन में कि मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो इस एक्ट को मतलब एस्टेब्लिश करे जहाँ पे कम वर्कर्स हैं। दिस कैन बी डन बाय गिविंग नोटिस, तो गवर्नमेंट उसे कैसे देगी, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब जो भी वहाँ पे एग्जैक्टली अथॉरिटी होगी जो इस चीज को लागू कर सकती है। सो दिस कैन बी डन बाय गिविंग नोटिस, नोटिस दे के इस चीज को करा जा सकता है, कम जहाँ पे कम वर्कर हो वहाँ पे इस एक्ट को लगा लाइक फॉलो करवाया जा सकता है, नोटिस दे के इम्पोज करवाया जा सकता है फॉर नॉट लेस देन 2 मंथ्स फॉर ठीक है ऑफ इट्स इंटेंशन टू अप्लाई द एक्ट। नाउ केस रेफरेंस, अब केस की बात करें तो इन द केस ऑफ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेज मोहम्मद शमीन 2003, द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एप्लीकेबिलिटी वॉज डिस्कस्ड। द कोर्ट साइटेड सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट टू क्लैरिफाई, कोर्ट ने सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट को उठाया था उसे ये बात क्लैरिफाई करने के लिए दैट एस्टैब्लिशमेंट्स इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज जनरेटिंग, एस्टैब्लिशमेंट में कौन सी एक्टिविटीज आ जाती है, जनरेटिंग ट्रांसमिटिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारी जो है ये भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही आ जाती है सारी एक्टिविटी भी, कोई चीज जनरेट करना ट्रांसमिट करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दीज डेट्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, ये एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करी है जितनी भी डेट्स हमने अभी डिस्कस करी है और जितने भी प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने केस रेफरेंस से बात की, एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे प्रोविजन से बात किया हमने कि जब 100 से कम जहाँ पे वर्कर्स होते हैं वहाँ पे किस तरीके से एक्ट लगाया जाता है, नोटिस देके लगाया जाता है, गवर्नमेंट नोटिस देती है, और ये एप्लीकेबिलिटी जहाँ पे 100 या 100 से ज्यादा पर्सन होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, वहाँ पे आप वर्कर्स होंगे, यानी कि वहाँ पे आपको ये एक्ट लगेगा ही लगेगा, आपका वो रूल है ही है एक नेसेसरी। देन व्हेन द एक्ट डजंट अप्लाई, अब ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, इफ अनादर लॉ अप्लाइज टू सर्टेन इंडस्ट्री, अगर किसी इंडस्ट्री में कोई और लॉ अप्लाई हो रहा है तो वहां पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 ऑफ द मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1961। तो यहाँ पे जो ये जो एक्ट है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है इस इंडस्ट्री को तो ये एक्ट अप्लाई होगा। अब मैं आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ना कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज की खुद की एक रूल बुक होती है, जो हम इसमें मध्य प्रदेश वाला जो केस देख रहे हैं बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट, ये भी खुद एक अपनी एक रूल बुक रख रहा है। ठीक है, मतलब ये एक रूल बुक ही है, दूसरी रूल बुक है ये। तो इस तरीके से जब दूसरी रूल बुक अप्लाई होती है किसी की, अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा 1946 का स्टैंडिंग ऑर्डर वाला एक्ट है वहाँ पे वो नहीं इम्पोज होता। पर अगर वो जो वो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, उसकी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टैंडिंग ऑर्डर इम्पोज करेगी, चाहे फिर उस जगह के बाकी इंडस्ट्रीज में कोई दूसरा एक्ट इम्पोज हो रहा हो। अगर कोई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर ही लगेगा, अदरवाइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है वो इंडस्ट्री और उसे कोई मतलब कि उसके पास कोई स्पेसिफिक और कोई रूल बुक भी है तो वो अपनी रूल बुक यूज कर सकती है। ठीक है, अगर ना समझ आए तो एक बार प्लीज ये 2 पैराग्राफ गो थ्रू कर लेना, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ये छोटा सा नोट मैंने डाला आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसे भी कवर कर लेना, जस्ट वीडियो को रोकना एंड प्लीज रीड इट। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। द एक्ट हैज सम गोल्स, एक्ट के कुछ गोल्स हैं, ठीक है, जैसे कि इट सेट अप्स रूल्स एंड सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स विच आर लाइक वर्क प्लेस रूल बुक्स। तो हमें पता है ये रूल्स सेटअप करता है ये, इट मेक श्योर दैट वर्कर्स आर ट्रीटेड फेयरली, वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और लेस लाइकली टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ। इट हेल्प्स रिड्यूस आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं जो भी कंपनी के ना वर्कर्स बॉसेज इन सब के बीच, और वर्कर अमंग वर्कर्स ऑल्सो
जो भी मतभेद हो जाते हैं वो सब थोड़े कम हो जाते हैं, स्कोप उनकी कम हो जाती है, बिकॉज रूल्स के अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ता है। इट क्लियरली डिफाइंस वॉट द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स सपोज टू डू, सबको पता है उन्हें क्या करना है, उनकी ड्यूटी सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। जो इट हेल्प प्रिवेंट वर्कर्स और देयर यूनियंस फ्रॉम आस्किंग अनरीजनेबल थिंग्स, और वर्कर को भी एडवांटेज मिलता है ना इससे बहुत चीजों का। तो अब स्टैंडिंग ऑर्डर से क्या होता है कि जो यूनियन बना के हर अनचाही डिमांड को या फिर अननेसेसरी डिमांड को पूरा कराया जा सकता है वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वर्कर्स ऑल्सो नो कि वो सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही उनको चलना है, तो उनकी अननेसेसरी की डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई। मोस्ट डिसएग्रीमेंट्स आर सॉल्व थ्रू टॉकिंग थिंग्स, तो आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलेशन के थ्रू ही बहुत चीजें स्मूथली साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। सिंपल टर्म्स है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट डजेंट अप्लाई एवरीवेयर, बट वेयर, अब ये हमने जो अभी पीछे वाली स्लाइड में कवर किया वही चीजें हैं कि हर जगह अप्लाई नहीं होता, बट ये जहां जहां अप्लाई होता है वहां पे ये बहुत फेयरली अप्लाई होता है। ये ध्यान रखता है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, डिसएग्रीमेंट्स कम हो और पीसफुली जो भी इश्यूज है वो डिस्प्यूट्स है वो सब सॉल्व हो जाए, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। That's it in this video. बस और ये जो जितने भी टॉपिक्स है ना, we are going to cover in our next video, क्योंकि हमने अभी इस एक्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, एक्ट काफी बड़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको जो प्रोसीजर होते हैं, पेनल्टीज होती हैं, अथॉरिटीज, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स विद सेक्शंस एंड केस लॉज में आपको कवर कराऊंगी। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट्स होते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, कोई सजेशन है वो भी लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या इम्प्रूव करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।